हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यमी और टेस्टी मोदक की रेसिपी गणपति बप्पा के लिए। और ये मोदक बनके तैयार हो जाते हैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर, वो भी बिना गैस चलाए। तो चलिए ये यमी और टेस्टी मोदक की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो ये मोदक बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बोल के अंदर हम डालेंगे 200 ग्राम पिसी हुई शक्कर, यानी कि पाउडर शुगर। मार्केट में इजीली अवेलेबल है और आप चाहें तो इसको घर पे भी तैयार कर सकते हैं। यानी कि शक्कर को मिक्सी के जार में बारीक पीस लें और इसके बाद में उसको छानकर इस्तेमाल कर लें। इसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे 250 ग्राम भुने हुए चने का आटा। ये वैसे मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, और अगर आपको नहीं मिले तो आप भुने हुए चने को पीसकर ये आटा तैयार कर लें, या फिर चने की दाल को अच्छी तरीके से भूनने के बाद में उसको पीस लें और छान लें। वैसे ये आटा भुना हुआ होता है पहले से, तो इसलिए इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम, और फिर इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। इसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से पिस्ता। आप इसके अंदर अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद में अब चम्मच से इन सबको अच्छी तरीके से मिला लेना है, ताकि शक्कर के अंदर अगर कोई गुठलियाँ भी रह जाए तो वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इसके अंदर, यानी टूट जाए गुठलियाँ सारी। तो आटे को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे, और घी डालकर हमें एक सख्त डो बनाकर तैयार करना है। ध्यान रखिए घी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालें, एकदम से ज़्यादा घी इसमें आपने डाल दिया तो एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा ये आटा, और ज़्यादा आटा अगर सॉफ्ट हो गया तो मोदक ठीक से नहीं बनेंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके घी डालें और एक सख्त डो लगाकर तैयार कर लें। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह का आपको आटा लगा के तैयार करना है कि आप ये मुट्ठी बनाएं तो आराम से बन जाए। बस इससे ज़्यादा घी मत डालिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा घी डालेंगे तो एकदम से ये थोड़ी देर के बाद में आटा घी छोड़ने लगता है और फिर मोदक ठीक से नहीं बनेंगे। तो इसलिए बस थोड़ा सा टाइट आटा रखें, और उसके बाद में एक मोदक का सांचा ले लें आप, और उस पर पहले से घी लगा लें आप, और फिर ये आटा इसके अंदर अच्छी तरीके से दबा कर डाल दें। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको दबा कर इसको डाल देना है, और ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा जो आटा निकला हुआ है इसको भी हम साइड से निकाल लेते हैं। और इसके बाद में बिल्कुल धीरे से इसको खोलें, तो ये देखिए आप देखेंगे कितना खूबसूरत मोदक बन के तैयार हुआ है। तो इसको निकाल लेते हैं और इसको प्लेट में रख लेंगे। और इसी तरीके से हम एक और मोदक तैयार कर लेते हैं। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर घी ज़्यादा हो भी जाए, कि आटे में से वो आटा घी छोड़ रहा है, ज़्यादा घी हो गया है, तो थोड़ा सा भुना हुआ आटा इसके अंदर और मिक्स कर दें तो बिल्कुल परफेक्ट आटा बनके तैयार हो जाएगा, और उसके बाद में आप वापस से मोदक बना सकते हैं। तो ये देखिए, दूसरा मोदक भी हमने बना लिया है, बिल्कुल परफेक्ट मोदक बना है। यानी कि ज़्यादा गीला आटा होगा तो मोदक ठीक से नहीं बनेंगे, इसलिए थोड़ा सा टाइट आटा रखें। और इसी तरीके से सारे मोदक बनाकर हमें तैयार करने हैं। तो सारे मोदक बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं, तो अब हम इस पे लगाएंगे थोड़ा सा चांदी का वर्क। चांदी का वर्क लगाने से काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये मोदक दिखने में। तो इस तरीके से आप चाकू से थोड़ा थोड़ा सा चांदी का वर्क इन सभी मोदकों पर लगा दें आप। इसके बाद में फूड कलर से थोड़ा सा टीका लगा लें, जिससे कि ये दिखने में बिल्कुल बाजार जैसे दिखाई देंगे आपको। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और उसके बाद में पिस्ता से इसको गार्निश कीजिएगा। तो ये देखिए, लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसे मोदक और मिठाई, और ये भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर बन के तैयार हो गए हैं। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप इसको अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी नई रेसिपी आपके पास में सबसे पहले पहुँच पाए।